UKPSC भर्ती के रिगार्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर फौज का भर्ती जो आपके यहाँ फिजिकल होना है 894 पदों पर, इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा बताया गया कि शीघ्र कराया जाए, तो शीघ्र कराने की बात चल रखी है। साथ में वन क्षेत्र अधिकारी के 28 पदों की भर्ती का अध्यासन भेजा, तो यहाँ पर नई अध्यासन जो है UKPSC के बाद पहुँच चुके हैं। टोटल इसमें 28 पोस्ट हो रही हैं और इसके लिए यहाँ पर UKPSC का अध्यासन आ चुके वन क्षेत्र अधिकारी का, और 894 पदों के लिए यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा हुई है और शारीरिक दक्षता परीक्षा के शेड्यूल का इंतजार यहाँ पर है। अभी तक आयोग ने शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इसमें कुल 1,42,973 लोग यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर इन्होंने हिस्सा लिया था। 18 मई को इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इनमें से 1,856 लोगों को लगभग लगभग आपका यहाँ पर दोगुने लोगों को यहाँ पर जो फिजिकल के लिए लिया गया हुआ है, और अब इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। अभी इसकी डेट नहीं हुई है लेकिन शीघ्र निकालने के बाद यहाँ पर कही गई है। और वहीं वन विभाग को यहाँ पर मिले 74 नए रेंजर, तो 74 नए रेंजर मिलने वाले हैं। इसके लिए बताया गया है कि समूह खौ के पदों पर जो है 74 नए जो वन क्षेत्र अधिकारी के रेंजर हैं वो शीघ्र मिलेंगे। इसके लिए 46 पदों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मुख्य और यहाँ पर शारीरिक परीक्षा आयोजन करा चुके हैं, तो ये मुख्य परीक्षा शारीरिक परीक्षा 46 पदों पर हो चुका है, लेकिन 28 पदों के लिए वन विभाग ने अध्यासन नया आयोग को भेजा है। तो 28 पदों पर नई भर्ती होनी है और ये तैयारी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इनके अध्यासन UKPSC के पास आ चुके हैं 28 पदों।